हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्विक फिक्स इंडिया। मेरा नाम है रवि चंद्राना। दोस्तों, आज के मज़ेदार वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, बारिश का मौसम है और आपकी गाड़ी को कैसा बारिश से प्रोटेक्ट करना है, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। वीडियो चालू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है क्विक फिक्स इंडिया, जहाँ पे हम लोग कार रिलेटेड, बाइक रिलेटेड काफ़ी स्टोरीज डालते रहते हैं और काफ़ी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। कार मेंटेनेंस दोस्तों, ये जो चीज़ है, ये रेगुलर इंटरवल पे हमेशा होनी चाहिए। लेकिन बारिश में दोस्तों कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उस चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट दोस्तों, बारिश का जो होता है, जो वाइपर ब्लेड्स होते हैं, सो वाइपर ब्लेड्स ये टाइम टू टाइम चेंज करने होते हैं। अगर आपका वाइपर ब्लेड हार्ड हो गया है या फिर आप जब वाइपर चालू करते हो, अगर विंडस्क्रीन पे दोस्तों लाइन्स आ रही है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वाइपर ब्लेड को चेंज कर दीजिए, नहीं तो वो आपके विंडस्क्रीन को डैमेज कर सकते हैं। सेकंड चीज दोस्तों, बात करेंगे एंटी रस्ट होता है। काफी लोग एंटी रस्ट को नहीं लगाते हैं, तो मैं एडवाइस करूंगा कि जो लोअर बॉडी रहती है और जो टायर के जो साइड्स होते हैं, वहां पे हमेशा एंटी रस्ट का यूज कीजिए। एंटी रस्ट जो दोस्तों होता है, वो 5 साल 6 साल में एक ही बार करना होता है। आप कौन से ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, दो बेस्ट ब्रांड है, मैं एडवाइस करना चाहूँगा। एक है वुर्थ और एक है 3M। वुर्थ का दोस्तों 5 साल का वारंटी आता है। 3M में दो क्वालिटी के हैं, एक 3 ईयर्स वारंटी वाले हैं और एक 5 ईयर्स वारंटी वाले हैं। 5 ईयर्स वारंटी वाला जो होता है, वो थोड़ा थिक लेयर होता है, तो आप दोनों में से कोई भी एक ब्रांड चूज़ कर सकते हो, दोनों भी अच्छे ब्रांड्स हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं एडवाइस करना चाहूँगा, जब भी आप एंटी रस्ट का यूज़ करते हो, सो जो फायरवॉल होता है, जिसे हम लोग गटर कहते हैं या नाली कहते हैं, ये जो पार्ट होता है जो वाइपर के नीचे जो जाली के अंदर होता है, वहाँ पे हमेशा आप एंटी रस्ट कीजिए, क्योंकि वो जो पार्ट है वो जल्दी रस्टेड होता है, वहाँ पे करोजन बहुत जल्दी जमा होता है। तो यूजुअली क्या होता है, हम लोग की गाड़ी जो होती है पेड़ के नीचे खड़ी होती है, पत्ते वगैरह वहाँ पे रहते हैं, पत्ते गिरने की वजह से वहाँ पे हमेशा जाम हो जाता है और वो है पत्ते मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो करोजन क्रिएट करते हैं और वो पार्ट रस्टेड होता है और वहाँ का जो पार्ट सड़ने के बाद में वहाँ पे जो पानी है वो सीधा आपके कार के अंदर आ सकता है। तो आपको अगर प्रोटेक्ट करना है तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो गटर या फायरवॉल जिसे हम कहते हैं, वो पार्ट को भी आप एंटी रस्ट लगाइए। तीसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो है मड फ्लैप्स। काफ़ी लोग शिष्टाचार के प्रति ये मड फ्लैप लगाना चाहिए, क्योंकि आपकी जब भी गाड़ी जाती है उससे पानी उड़ता है और पानी जब उड़ता है तो किसी के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो मेक श्योर कीजिए कि आपकी गाड़ी में मड फ्लैप लगे हुए हैं तो किसी के ऊपर पानी नहीं उड़ेगा। और जब भी आपको लग रहा है वाटर लॉगिंग है कहाँ पर, तो वहाँ से थोड़ा स्लोली चलाइए शिष्टाचार के लिए, क्योंकि किसी के ऊपर अगर पानी उड़ता है तो अच्छा नहीं रहता है। तो वो एक चीज़ हो गई। चौथी चीज़ जो है दोस्तों, जो आपके गार्निश पट्टी जो डोर्स के ऊपर लगी रहती है, उसे हमेशा देखिए बराबर, वो अच्छे कंडीशन में होने चाहिए। अगर वो हार्ड हो गई है या वहाँ पे बेंड हुई है, तो वहाँ से सीधा पानी जो है आपके डोर के अंदर आ सकता है, जिससे आपके जो वाइंडर्स रहते हैं, जो ग्लास को ऊपर नीचे करते हैं, वो वाइंडर्स भी रस्टेड होंगे और प्लस स्पीकर्स, मोस्टली जो स्पीकर्स होते हैं वो आपके डोर्स में होते हैं, वो भी ख़राब होने के चांसेस है। डोर्स के जो दोस्तों रबर्स है वो भी अच्छे रहने चाहिए, नहीं तो सीधा पानी अंदर आएगा। पानी अगर दोस्तों अंदर आता है तो मोस्टली फंगस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो और जो गंदा स्मेल भी आता है गाड़ी में, वो भी अवॉइड कर सकते हैं हम लोग। तो पानी अंदर नहीं आना चाहिए। तो ये चौथी चीज़ हो गई। फिफ्थ जो चीज़ है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है आपके टायर्स। टायर्स जो दोस्तों है, उसका 1.6 mm जो होता है वो लीगल लिमिट होता है, लेकिन जब बारिश में आप गाड़ी चलाते हो तो 2.5 के ऊपर ही आपका जो डेप्थ होना चाहिए, क्योंकि अगर उससे कम होगा तो वाटर इवैक्यूएशन टायर के थ्रू बराबर से होगा नहीं, और टायर के थ्रू अगर वाटर इवैक्यूएशन नहीं होगा तो गाड़ी स्किड करेंगी, तो आपका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ग्रूव्स अच्छे होने के बाद भी टायर कभी कभी बल्ज आ जाता है, पुराने हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसे आप जाके देख सकते हो, कभी टायर चेंज करने चाहिए और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कैसा पता करें कि आपके टायर जो है वो क्या एमएम के साइज है, तो आप वहाँ पे हमेशा टायर में ट्रेडवेयर इंडिकेटर्स दिए होते हैं, वो ट्रेडवेयर इंडिकेटर्स के ऊपर ही होने चाहिए। अगर ट्रेडवेयर इंडिकेटर्स के पास पहुँच गए हैं टायर, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि टायर को चेंज कर दीजिए, नहीं तो आपके जो टायर्स है ये बारिश में स्कीड होने के चांसेस है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है।
व्हील अलाइनमेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। बारिश में अगर आपके व्हील प्रॉपरली अलाइन नहीं होंगे, आप कभी भी टर्न वगैरह मारते हो तो, और या आप रोड पे भी गाड़ी चलाते हो तो जो गाड़ी है वो स्किड होने के भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर व्हील एक लेवल में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी स्लिप हो सकती है। सो व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग ये मैंडेटरी है एवरी 5000 किलोमीटर, लेकिन बारिश में आप मेक श्योर कीजिए कि आपके जो व्हील है ये प्रॉपरली अलाइंड है और प्रॉपरली बैलेंस्ड है। तो सिक्स जो चीज़ है, आपके जो हेडलाइट और टेल लाइट ये ब्रोकन नहीं होने चाहिए। अगर ये ब्रोकन होते हैं तो उसके अंदर पानी जा सकता है, पानी जाने की वजह से शॉर्ट सर्किट या बल्ब उठने के भी चांसेस होते हैं। बल्ब बराबर होने चाहिए, अगर बल्ब बराबर नहीं रहेंगे दोस्तों तो विजिबिलिटी नहीं रहेंगी। और दोस्तों टेल लाइट भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप ब्रेकिंग करते हो तो आपके जो पीछे की लाइट जलती है ये रियर वालों को पता होना चाहिए कि आपने ब्रेक मार रहे हैं। तो टेल लाइट्स और हेडलाइट्स ये दोनों भी कोई भी ब्रोकन सिचुएशन में है तो मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि इसे भी आप चेंज कर लीजिए। सेवन चीज जो बात करेंगे दोस्तों, सेवन चीज जो है, रैट्स आने के चांसेस होते हैं, जो चूहे होते हैं वो काफ़ी आते हैं। चूहे के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जहां पे भी गार्बेज वगैरह है वहां पे आप गाड़ी पार्क मत करिए, या कहीं ड्रेनेज लाइन है वहां पे गाड़ी अवॉइड कीजिए पार्क करना, क्योंकि वहां पे चूहे होते हैं और जब बारिश होती है तब वो चूहों को छुपने के लिए जगह चाहिए होती है, तो वो छुपने के लिए आपके गाड़ी के अंदर आते हैं और गाड़ी के अंदर जहां पे वो घर बनाते हैं वहां पे वो वायरिंग काट सकते हैं। तो सेफ जगह पे पार्क कीजिए जहाँ पे चूहे ना हो, जहाँ पे गार्बेज बिन ना हो। एट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों, बॉडी कवर। हम लोग काफ़ी लोग बारिश में बॉडी कवर का यूज़ करते हैं, लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो भी बॉडी कवर आप यूज़ करते हो वो जो तालपत्री है वो डाई की हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बारिश में वो पानी छोड़ती है, कलर छोड़ती है और उससे आपका कलर भी डैमेज हो सकता है। तो जो प्रॉपर OEM रिकमेंडेड बॉडी कवर होता है उसे ही यूज कीजिए। जो टिप्स बताऊंगा दोस्तों नाइन्थ वाली, जहाँ जहाँ पे हम लोगों का मट्टी वगैरह अटकता है, जैसे आप डिक्की बूट खोलते हो, बूट के ऊपर जो जगह होता है जहाँ पे वाटर, जब भी बारिश होती है तो वहाँ से वाटर पास ऑन होता है, जिसे हम लोग नाली कहते हैं, गटर्स कहते हैं और काफ़ी चीज़ें कहते हैं, जैसे जहाँ से पानी निकलता है, ये जो चीज़ें दिख रही है आपको यहाँ पे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखिए ये क्लीन होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी मट्टी है, ये देखो कितनी मट्टी है, ये सब मट्टी यहाँ पे रहेंगी तो ये जो पार्ट है ये रस्टेड होते रहेगा, तो यहाँ पे हमेशा एंटी रस्ट मारना ज़रूरी होता है। देखो ये जो चीज़ है यहाँ पे हमेशा मट्टी, ये देखो कितनी मट्टी ज़्यादा जमी हुई है यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है हमेशा क्लीन करना है बारिश के पहले। दोस्तों सारे वाटर आउटलेट्स है, यहाँ पे भी वाटर आउटलेट्स है, तो ये जो चीज़ें हमेशा क्लीन रहनी चाहिए। जो सारी चीज़ें आपको दिख रही है ये बारिश में हमेशा क्लीन रहनी चाहिए। यहाँ पे अगर मट्टी होगी तो कहीं ना कहीं ये भी रस्टिंग होगा, जो पानी है कहीं ना कहीं से यहाँ से भी अंदर आ सकता है अगर ये खराब हो जाता है तो। चीज जो दोस्तों है, आप जब भी एसी यूज करते हो बारिश में तो आप कौन से मोड में एसी चलाते हो? काफी लोग जो होते हैं जो फ्रंट मोड में एसी चलाते हैं, या फिर विंडस्क्रीन मोड होता है, जो ग्लास मोड होता है उसके ऊपर चलाते हैं, लेकिन उस पर अवॉइड कीजिए। जो फ्लोर मोड होता है, जो पैर के ऊपर ब्लोअर देता है, वो मोड को यूज़ कीजिए। सो आपको जो कूलिंग है वो प्रॉपर रहेगा, जहाँ से मिस्ट जमा नहीं होगा। मिस्ट अगर जमा होता है तो विजिबिलिटी का इशू होता है, आपने काफ़ी एक्सपीरियंस किया रहेगा। जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर हमेशा जो है फॉगी जैसा या मिस्ट जैसा क्रिएट हो जाता है, तो वो अवॉइड करने के लिए जो ब्लोअर का मोड है वो आपका फ्लोर पर रहना चाहिए, जिससे आपको वो मिस्ट या फॉग जमा नहीं होगा गाड़ी के अंदर, आपका विजिबिलिटी जो है हमेशा क्लियर रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो डोर्स होते हैं उसके अंदर से ये जो डोर ट्रिम होते हैं उसे निकाल के अंदर से भी प्रॉपर सर्विस कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे इनकेस पानी आ रहा है आपका तो डोर्स में छोटे छोटे होल्स दिए होते हैं, वहाँ से पानी बाहर निकलना चाहिए। अगर वो लॉक होते हैं या वो जाम होते हैं या वहाँ पे मट्टी अगर अटकी होती है तो जो पानी है वो प्रॉपर से निकलेगा नहीं, और वो जो अंदर का पार्ट है वहाँ पे मॉइस्चर क्रिएट करके वो आपके जो वाइंडर्स होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, ये भी रस्टेड हो सकते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ों का भी सर्विस करना ज़रूरी होता है, जो मैनुअल्स में या कंपनी शोरूम में लोग करते नहीं हैं। सो आप ध्यान रखिए, अगर थोड़ी पुरानी है आपकी गाड़ी और आपके जो होल्स वगैरह है जो डोर्स के नीचे में बॉटम में होते हैं वो अगर जाम वगैरह है तो प्लीज़ उसे भी क्लियर कर लीजिए। अगर पानी अंदर आ रहा है तो वहाँ से भी पानी निकलने का जगह हो सकता है। एक ग्लास क्लीनर है जो कि एक 3M का अच्छा प्रोडक्ट है, जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। स्क्रीन फ्लूइड में जब भी आप दोस्तों पानी डालते हो साथ में दो झक्कन इसके भी डाल दीजिए, तो इससे आपका जो विंडस्क्रीन है ये प्रॉपरली क्लीन होगा। झक्कन दोस्तों ग्लास क्लीनर ये पानी के साथ में हमेशा मिक्स कीजिए। दोस्तों ग्लास क्लीनर जो है आपके विंडस्क्रीन को प्रॉपरली क्लीन कर देगा।
दोस्तों हम ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो पे काम कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। आपको अगर ये दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा तो आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके दोस्तों के साथ में भी आप शेयर कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू में एक बेल आइकन दिया है उसे भी प्रेस कर लीजिए तो सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा आपको। राइडर्स प्लीज़ वेयर हेलमेट, ड्राइवर प्लीज़ वेयर सीट बेल्ट, कीप द रोड क्लीन, कीप द रोड सेफ, कीप द सिटी क्लीन। थैंक यू।